चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सोनाघाटी इलाके में एक महिला की गला काट कर हत्या कर दी गई है। उसका शव एक निजी स्कूल के सामने मैदान में पड़ा मिला। सूचना के बाद पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। महिला का पति मानसिक रूप से कमजोर है। कोतवाली पुलिस को सुबह जानकारी मिली, SVPA स्कूल के सामने सोनी के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद TI कोतवाली, देवकरण डहरिया, FSL डॉग स्क्वाड को साथ लेकर पहुंचे। मृतका की पहचान रामकली के नाम से हुई है। यह महिला घरों में साफ सफाई का काम करती थी। सुबह इन्फॉर्मेशन मिली 100 डायल के माध्यम से कि रामकली पति गणेश, उनके उम्र करीब 30 साल है, इसकी बॉडी जो है उसके घर के सामने तक खाली मैदान पर पड़ी हुई है, और जिसकी सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और प्रथम दृष्टा महिला के गले पर घाव के निशान है। वहीं साइड पर एक बोतल भी मिली हुई है टूटी हुई। तो प्रथम दृष्टा ये तो हत्या का मामला है, तो पुलिस ने हत्या का मामला कायम करके अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विवेचना में लिया है। ये सतपुड़ा के सामने क्या करती थी ये मैडम के यहाँ झाड़ू पोछा पे जाती थी? मैडम के यहाँ किरण पवार के यहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाती थी। अच्छा, क्या क्या किस हालत में बॉडी मिली इनको? वो तो बहुत बेकार बॉडी मिली है सर। किसी से कोई विवाद था नहीं? अब इतना तो नहीं पता सर, अब तो बातचीत। हाँ, उसके सास के साथ में।